और बिल्ले मैंने शैतान ने रजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काबिल कदर काबिल एहतराम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको अपनी लिखी हुई इंग्लिश की नंबर फोर लाइफ का एक चैप्टर 31 उसका एक टॉपिक है जो मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ है, वो आप देख लें। यूज़ ऑफ वर्ब के बारे में बताऊँगा, इसे गौर से देखें। तो अब हम चलते हैं इसकी फोटोकॉपी की तरफ। मैंने क्या कुछ अपनी किताब के अंदर लिखा है, इसे गौर से देखें। तो यूज़ ऑफ वर्ब कायदा नंबर एक, वर्ड शुड कोड में माइट मस्ट स्टार्ट टू के बाद वेश वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड। बाकी आप मेरी किताब अगर किसी के पास है तो वो ये 155 से लेकर 169 पेजेस में ये सारे कवानीन इस्तेमाल हुए हैं और 283 पेज पर भी कवानीन इस्तेमाल हुए, उसको देख सकते हैं। कायदा नंबर दो में एवरी डे डेली ऑफन और ऑलवेज के लिए वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, मसलन आई गो टू स्कूल डेली। इस तरह कायदा नंबर तीन है अगो लास्ट मंथ लास्ट ईयर लास्ट डे यस्टरडे के लिए वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे आई केम हेयर लास्ट ईयर। कायदा नंबर चार टुमारो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर के लिए विल या शैल इस्तेमाल कर विल या शैल और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट विल रेन टुमारो। अगर फिक्र में दो दफ़ा गागे की आ जाए तो ये मेरी किताब का पेज 225 पर आप देखें, और फिर कंडीशन सेंटेंसेस के लिए भी पेज नंबर 20 पर देखें, बड़ा तफसील से लिखा हुआ है। कायदा नंबर छः आदत और मामूल के लिए वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, आई गो टू स्कूल दे स्मोक। ये बड़ा आसान है और ये बड़ी ज़रूरी है नाइन्थ टेंथ के लिए भी और छठी सातवीं आठवीं क्लास के लिए भी, ये आसान तरीन है और मैंने शॉर्टकट अपनी ग्रामर में लिखा है और बहुत बेहतरीन लिखा है। अगर आप ये ग्रामर खरीदना चाहते हैं तो उमर बुक डिपो आसन बुक डिपो किसी भी भावल नगर की दुकान से ले सकते हैं, मिंचनाबाद से ले सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर है 0337 11613 पर कॉल करें मैसेज करें, या इंग्लिश के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो रात 9 से 10 बजे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं फीस बिल आपकी खिदमत करूँगा और इंग्लिश में ट्यूशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ऐसे आपको फार्मूले और गुर बताऊँगा कि आप इस अंग्रेज़ी को बहुत आसान समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम।